हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2020 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आज के दिन सन 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। ये अपने दौर के जाने माने लेखक, कवि, पत्रकार, संपादक और अनुवादक रहे हैं। इनकी गणना साहित्य के उन कवियों में की जाती है जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था और उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती थी। रघुवीर सहाय एक प्रभावशाली कवि होने के साथ साथ कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक भी रहे। ये प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। इन्हें साल 1982 में इनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य पुस्तकें आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में और हंसो हंसो जल्दी हंसो भी काफी चर्चित रही। सहाय का संबंध उस पीढ़ी से था जो आजादी के बाद काफी सारी आकांक्षाओं के साथ पली बढ़ी। सहाय ने उन्हीं आकांक्षाओं को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। इनकी गिनती ऐसे कवियों में की जाती है जो प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने के बजाय भविष्य की ओर देखना पसंद करते रहे। और इसके अलावा दोस्तों, आज ही के दिन सन 1913 को नवसारी गुजरात में होमाई व्यारावाला का भी जन्म हुआ था। ये भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार रही हैं। जिस समय होमाई व्यारावाला फोटोग्राफर बनी उस समय कैमरा ही अपने आप में एक आश्चर्य था। उस पर भी एक महिला का इस ओर कदम बढ़ाना बड़े आश्चर्य की बात थी। साल 2011 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। और बात की जाए आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की तो दोस्तों, आज के दिन सन 1983 को शाहनवाज खां का निधन हुआ था। ये भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद जनरल शाहनवाज खां कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल के ऊपर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था। शाहनवाज खां बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के नाना भी रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, आज ही के दिन सन 2007 को त्रिलोचन शास्त्री का भी निधन हुआ। ये हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर माने गए हैं और इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1917 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। ये आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के तीन स्तंभों में से एक रहे और इस त्रयी के अन्य दो स्तंभ नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह रहे हैं। त्रिलोचन शास्त्री काशी, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, की साहित्यिक परंपरा के मुरीद कवि रहे दोस्तों। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार और शलाका सम्मान से भी सम्मानित रहे हैं। और बात की जाए इनकी यादगार रचनाओं की तो उसमें गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे हैं। तो ये था आज के दिन का इतिहास। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।